नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। हेलो हेलो, बोल क्या बोल रहा है, बोलो। हेलो हेलो, हाँ आपको हिसाब लगा भाई? कुछ हिसाब नहीं लग रहा, हम देख रहे हैं। छह उठा हम लोग है, समझ गए भाई। छह उठा है, तीन को रूम बुक है, तुम लोग कहाँ से मेंटेन करेंगे भाई? देख, एक चीज सीधा समझ में आ रहा, मानो जो हमको क्लियर बता दे रहे। हाँ, अभी उन लोगों को कम से कम उन लोगों को 10,000 रुपया दिया होगा। केस अभी इसका पास सिखाना है मैं, ऑफिसर पर जाए, बड़ा ऑफिस है, कम से कम बड़ा होगा 10,000-20,000 तो तेरा इसी चला गया। ठीक है, हम लेंगे तो कितना लेंगे, 10-15 हजार रुपये ऑफिस पे लेंगे, 10,000 रुपया मान के चल, 20,000 रुपया। ठीक है, अब 30,000 हम लोग घर से नुकसान हो जाएगा। एक मिनट सुन ले, केस जो तेल लोग को वहां से उसका पास जो डायरेक्ट फोन की से आदरा से जो ये लोग आई से लगा लो, उन लोग जो खर्चा करके आए, उन लोग 5,000-40,000 से धर के ही चल। हम तो क्लियर कट बता दे रहे हैं, कैसे मेरा कोई दुश्मनी नहीं है भाई। भाई सुन, मेरे पास सुन भाई, 42,000 खाली लड़की के भाई ने शाम को जोड़वा देंगे भाई। मनोज, मेरे एक मिनट, मेरे पहले बात समझना है ना। हम तैसे कभी 1 रुपया मांगते हैं, कभी नहीं, सलाम दुआ करते हैं। और एक 500,000 का दरकार होता है, संजीव लोग मेरा खर्चा भी करता है। वो तो नहीं बोलेंगे, तिलक मेरा दुश्मन नहीं है, वो तो रोक के रखा है, इसलिए संजीव है इसलिए बुलाया। और नहीं तो अब तक मेरा एक्शन तेरे को दिखा देते, हम क्या कर सकते हैं। सही बात है, हम थोड़ा कुछ बोल रहे हैं, कुछ मत कर। जो अगर हो रहा है, कभी कभी बिजनेस में फायदा होता है, कभी नुकसान होता है, कभी कुछ नहीं। 40,000 रुपए कम से कम लाके ही हमको पहुँचाओ। हम अभी 30 से 40 हो गया, कैसे करेगा? वो जो आगरा वाला जो पैसा लगाई है उसको अकाउंट में, तो पूरा प्रेशर वही दिया हुआ। और आदरा है वो जमाल बोस का आदमी लोग आई से। ए भाई, आदरा लोग कोई कई पैसा नहीं मांगा वो सब, ठीक है। जिसका आदरा चिन्ह पर जाए ना, वो 1 रुपया नहीं दिया ड्राइवर, उसके बाद ठंडी का उकात ना, एक भिखारी ना, भिखारी है वो। ठीक है, आप क्या करना चाहेगा? देख ये हम कसम से मानो, को तेरा जब तेरा नाम सुना ना हम, तो माने हम थोड़ा सा एकदम माने स्टॉप हो गया ना। तो इतना देर कुछ नहीं है, इतना देर बड़ा बाबू हमको एक बार दीपू के सामने फोन की पूछ लेते। दीपू से हमारा देख बड़ा बाबू फोन आया दीपू के सामने, बोलो गेस्ट है। दीपू थे दे, दीपू बोरे मनोज थे, दीपू से पूछ ले, सामने फोन आ रहा, सामने ही सब बात हो रहा है, दीपू से पीछे भी बात नहीं हो रहा, दीपू के सामने से पीछे भी बात नहीं हो रहा। हजार मेंटेनेंस का भी कर देंगे, 15 कर दो, नहीं बचे 1 रुपया। हम कहां बाप गर्त करे, अरे हम लोग 6 उठाए भाई, कर दे। अरे 6 उठा तो हमको क्या लेने देना यार, अभी 6 होगा, 6 अंदर चल जाएगा, अच्छा लगेगा, 6 रुक सब लड़ा पार हो जाएगा तेरे लोग। आज कर दो 15 भाई, सब पार हो जाएगा, पलस मारेगा अलग। जाकर साली से पूछ कैसे पड़ी से उन लोग को, जाकर पूछ लालो के अंदर में किस है। नहीं नहीं, हम क्या कर जाएंगे भाई, हमको तो 1 रुपया देने का दरकार नहीं है। मेरा लड़का है, मेरा कल मिचिल में आएगा, वो तो है। ठीक है, हमको तो नहीं करना है, लेकिन जो अगला का चीज है तो अगला को तो देना ही पड़ेगा ना। इस अनाथ 1,80,000 में कुछ नहीं बोला, अभी रिपोर्ट मेरा पास रहा, नहीं बोला दूर लड़का कमा रहा, झटके में कमाए देते, ऐसी अवस्था खराब है। लेकिन सब जगह तो नहीं, जगह तो नहीं, कम से कम 8-10-15 मिनट वेट करेंगे मनोज, फिर हम कार को वेट नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत काम है, सब करवा रहे हैं। अच्छा, 15 मिल जाएगा उसको भेजा दूं भाई, आप ही लेने भैया। नहीं नहीं भैया, 15 मिल जाएगा बाद हम कहे लेंगे, मेरे को जो है हाथ में डायरेक्ट लगा दे, हम करेंगे, हम आराम कमाए करेगा मनोज, अच्छा जाएगा मालूम, पिंडू भाई कितना कमा लेगा, सबको भगाओ ना भाई, चोर वाले काम नहीं करे भाई, उसको भगा दो भाई। ठीक है, नहीं वो नहीं कर रहा बोरा भैया, हमको आप बोलिए ना किधर रास्ता है बताइए, माँ कसम बोलते दीपो से पूछ ले। तो क्या करो भाई, कुछ बची नहीं रहा, बोले 42,000 लड़की देना पड़ रहा है, फिर रूम का हम दारू का, हम लोग 30 लाख का गाड़ी लेके चला रहे, 25 से 30 लाख का हम लोग चक्कर है, एक तो बेटा टायर उड़ जाए कभी कभी तो 45,000 लॉस है, लगा के भेजिए, बिजनेस है, अबे तेजब अंदर चल जाएगा। अभी अभी 1-1.5 महीना के लिए तो वो पैसा तो कहाँ तेरा घर से जाएगा, अब तो बाहर रह के कमा लेगा तो बेटा उतना पैसा है, बुद्धि नहीं है क्या? मेंटेनेंस कर दो भाई, समझ गए भाई, नहीं होगा हमसे कुछ नहीं होगा लास्ट टाइम, और हम 15 से 20 मिनट देखेंगे, वेट करेंगे। देखो लोग भी जहाँ तहाँ बात कर रहा, कहीं पड़ जाएगा नजर में, कहीं दूसरा जगह समझ में आ जाते लोग, रुक जाए। ठीक है, 6 लड़का 8 लड़का, ऐसा मत करो भाई, हम कुछ नहीं कर सकेंगे, जब अंदर बैठे
अंदर में बैठे, तुम जिससे बात करना अंदर बैठ के बात कर, बंद करो चल, देख रहे हो लोग जिससे तुझसे बात आ रहा है, और कहीं फोन कर रहे हैं कोई मिल जाएगा रोडवा में ना, समझ में आ जाएगा, बचा रहे तो बच जा, नहीं बचा सकेगा तो बोल के हम नहीं बचेंगे, जो कहना कर दे। भाई ऐसे करे होगा भाई, हम लोग अब घर से चल जाएगा फिर तो कुछ नहीं बचेगा हम लोगों, हम जानते हैं बिहार सब जोड़ जाके बैठे हो भाई, बच्चा देखेगा या केस देखेगा, वो तो हम जान रहे हैं, जाएंगे तो जानते तो चार पांच दिन साल दिन रह जाएगा अंदर मालूम है तो। अबे पीटने तीन केस करेगा जगह था तो छीनता है केस हो रहा, हाँ छीनता क्या करेंगे हम, उसको कस्टमर एंजॉय करके गया, लड़के लोग सबको बुला देंगे सबको लेके जाएंगे। सुन ना तेरा पास आकाश से लिया नंबर तो है, हाँ से पूछ तो फोन करके पूछ कि तेरा आदमी को कौन कौन के जी समा कर पांच मिनट करके पूछ ले, एक बार पूछ उसके बाद किसी को, किसी को पैसे नहीं दिया अभी तक ले, सुन ना आज मेरे पूछ उसके बाद बोला आकाश तेरा स्टाफ को मेंटेन करो भाई, देखो ठीक है लेकिन हम उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बोला हेलो हेलो, हाँ और बुधिया मत मार की सका लोग कहा करे उतना हम लोग है ना, हम लोग क्या करें, हम लोग घर से कहां दे पाए, इतना रात में जागले कल से जागले, अब है ना हम लोग पर एक रुपए बच थोड़े रहा है, बोल रहे बियाले जल उसको दिए, फिर रूम चारों रूम बुक था, फिर दारू इतना है 12-13 दारू है, होटल में खाना खाया बिरयानी आए बेटा लग रहा है, अरे बाबा कर लो भाई बोल तो दियो ओके कर के भेजे ना भाई, काशी ओके कर दे बोल, हम बोल दे पादा बोल दियो फाइनल कर लो भाई, नहीं हो रहा है सर, अब क्या करें, अब कैसे खाएंगे क्या, अब बिहार निकल रहे अभी आएंगे बाद में बिल करा लेंगे छठ पूजा बाद, क्या करेंगे जा रहे बिहार निकल रहे क्या करेंगे, बिहार निकल जाएगा तो क्या करे, अब कुछ रहेगा तेरा तो दुकान तो बंद है ही है मेरा तो उसके बाद आके दादा निकल लेगा, नहीं दादा तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है तो तब तक बिहार निकल जाए तो बिल तो कराने पड़ेगा भाई, बोलो बिहार निकल जाए और लोग अभी दोनों को बोल दे, तो हम क्या करें, कोई उपाय है, एकदम एकदम है एकदम है, 15 हम ज्यादा दे ही नहीं पा रहे हैं, काहे ना हो रहा है, कैसे होगा तो बताओ, पिंटू भाई हम लोग 97,000 रुपए के हम लोग देते हैं, मस्ती हुआ आदमी लोग मारे उसको भगा मार के, कैसे मार के भगा देगा यार, हम लोग बोलता था भाई, हम लोग तो चल के मुते का कहीं पर रखा थे, नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं, बोलता तो चल के मुते का तो बात हुआ, अच्छा कर दो भाई कर दो कर दो भाई छोटा भाई को देखो, कितने 40 रुपए का चलते में अब पूरा दुकान है बिहार छोड़ के जा रहा है, दुकान में दलाली यहाँ नहीं कर पाएगा तब तक तो वाला नुकसान है, नहीं बोल रहे भाई हम बिल करा लेंगे क्या करेंगे, मेरे पावर ने अब मेरे पॉकेट में है ही नहीं, 2000 एकदम 100 दिन के बाद महीना दिन के बाद कस्टमर पकड़ा है, रिकॉर्ड है तेरा पास 1,80,000 वाला भी रिकॉर्ड है अभी, 1,80,000 कौन 1,80,000 एक बार जो अभी बिल किया कुछ दिन पहले, अरे वो कस्टमर का एक ने 1,07,000 वो मेरा खुद का कस्टमर था, वो ठीक है कस्टमर था ना, वो तो जब आता साल में एक दो बार आता देखे जाता वो तो, अभी अभी अलग हम क्लियर बता दे रहे ना, 15 होगा ना 20 होगा, ठीक है देखो क्लियर हम बता दे रहे हैं, 10-10-20 हजार पहले उदू में चला जाएगा, 10,000 रुपया हम लोग पार्टी ऑफिस में चाहिए हमको, भाई हाँ इससे ज्यादा कम कुछ नहीं कर पाएंगे तेरा, हम भी तो नहीं खोगा भाई हमसे क्या करें, हाँ तो ठीक है तब छोड़ दे, हम पानी बुझा रहे तेरा नंबर फोटो जो मोबाइल भेजी से तेरे भाई था वो टोटल चीज हम वहाँ जमा कर दे रहे उसके बाद समझ लेना, ठीक है दीदी को ठीक है, हेलो हेलो, हाँ और बुधिया मत मार की सका लोग कहा करे उतना हम लोग है ना, हम लोग क्या करें, हम घर से कहां दे पाए, इतना रात में जागले कल से जागले, अब है ना हम लोग पर एक रुपए बच थोड़े रहा है, बोल रहे 42,000 उसको दिए, फिर रूम चारों रूम बुक था, फिर दारू इतना है 12-13 दारू है, होटल में खाना खाया बिरयानी आए बेटा लग रहा है, अरे बाबा कर लो भाई बोल तो दियो ओके कर के भेजे ना भाई, काशी ओके कर दे बोल, हम बोल दे पादा बोल दियो फाइनल कर लो भाई, नहीं हो रहा है सर, अब क्या करें, अब कैसे खाएंगे क्या, अब बिहार निकल रहे अभी आएंगे बाद में बिल करा लेंगे छठ पूजा बाद, क्या करेंगे जा रहे बिहार निकल रहे क्या करेंगे, बिहार निकल जाएगा तो क्या करे, अब कुछ रहेगा तेरा तो दुकान तो बंद है ही है मेरा तो उसके बाद आके दादा निकल लेगा, नहीं दादा तो नहीं कर पाएंगे ना, ठीक है तो तब तक बिहार निकल जाए तो बिल तो कराने पड़ेगा भाई, बोलो बिहार निकल जाए और लोग अभी दोनों को बोल दे,
तो हम क्या करें, कोई उपाय है? एकदम एकदम है, एकदम है। 1500 हम ज्यादा दे ही नहीं पा रहे हैं। टाइम हो रहा है, कैसे होगा तो बताओ। पिंटू भाई हम लोग देते हैं, मस्ती हुआ आदमी लोग मारे उसको भगा मार के। कैसे मार के भगा देगा यार? हम लोग कहीं पर रखा थे। नहीं ना ऐसा कोई बात नहीं, मोटर तो चढ़ के मुटेगा। अच्छा कर दो भाई, भाई कर दो, कर दो भाई। छोटा भाई का देखो 40 रुपए का चलते में अब पूरा दुकान है, बिहार छोड़ के जा रहा है, दुकान में दलाली यहाँ नहीं कर पाएगा तब तक तो वाला नुकसान ही है। नहीं बोल रहे भाई, हम बिल करा लेंगे, क्या करेंगे? मेरे पापा ने अभी मेरा पॉकेट में है ही नहीं, 2000 एकदम 100 दिन के बाद महीना दिन के बाद कस्टमर पकड़ा है। रिकॉर्ड है तेरा पास? 1,80,000 वाला भी रिकॉर्ड है अभी? 1,80,000? कौन 1,80,000? एक बार जो अभी बिल किया कुछ दिन पहले। अरे बाबू कोई कस्टमर का एक ने 1,07,000 वो मेरा खुद का कस्टमर था वो, ठीक है कस्टमर था ना। वो तो जब आता साल में एक दो बार आता, देखे जाता वो तो। अभी अभी अलग एकदम क्लियर बता दे रहे ना, 15 होगा ना 20 होगा, ठीक है देखो क्लियर हम बता दे रहे हैं। 10-10-20 हजार पहले उद्योग में चला जाएगा, 10,000 रुपए हम लोग पार्टी ऑफिस में चाहिए हमको, ठीक है भाई। हाँ इससे ज्यादा कम कुछ नहीं कर पाएंगे तेरा। हम भी तो नहीं होगा भाई, हमसे क्या करें। हाँ तो ठीक है तब छोड़ दे, हम पहाड़ी जा रहे। अब तेरा नंबर फोटो जो मोबाइल भेजी से देख भाई था, वो टोटल चीज हम वहाँ जमा कर दे रहे, उसके बाद समझ लेना, ठीक है दीदी को? ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है, अभी कल ही भारत मित्र अखबार में, दैनिक जागरण, बहुत ऐसे पेपर में ये खबर निकल करके आई है कि कोई ऑडियो जो है वो वायरल हुआ है। वो ऑडियो में आवाज़ जो है किसी मनोज नामक युवक का है और एक पिंटू तृणमूल कार्यकर्ता बताया जा रहा है, ठीक है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है कि उसमें जो पिंटू है वो तृणमूल कार्यकर्ता है और वो किसी से पैसे के लेन देन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सूचना जो है, इसकी जानकारी जो है, ये दिशा जन कल्याण केंद्र जो है यहाँ पे इससे पहले भी रेड हुआ था, उसके बाद से ही ये काफ़ी चर्चित रही है। तो ऐसे में ये कहाँ तक सही है कि इसमें तृणमूल कार्यकर्ता मतलब शामिल है या सम्मिलित है, ये कहाँ तक सही है? देखिए जो वायरल हुआ है वो न्यूज़ हम भी सुने हैं, ऐसा बात नहीं। जो पिंटू का नाम आ रहा है और जो दिशा जनकल्याण केंद्रों का बात आ रहा है वो वार्ड 59 है। अगर पिंटू सिद्दीकी अगर होगा, वो मेरा वार्ड प्रेसिडेंट है, 59 का यूथ तृणमूल कांग्रेस का पिंटू वार्ड का प्रेसिडेंट है। रहा सवाल अगर किसी को मनोज नाम का किसी के से भी अगर पैसा मांगा होगा, एकदम गलत है। अगर मंगा उसमें होगा तो खास तौर पे बताया गया है कि ये ऑफिस में 10,000 रुपया मुझे देना पड़ेगा, फिर उसमें ये भी जोड़ा गया कि बड़ा बाबू को 10,000 रुपया देना पड़ेगा, हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, ये सब चीज उसमें निकल करके सामने आया है। देखिए अगर ये बात अगर ऑडियो में है तो सबसे ज्यादा पुलिस को इनिशिएटिव लेना चाहिए इस बारे में। पुलिस काहे चुप है, इसको इंक्वायरी एकदम इमीडिएट करे। और तृणमूल कांग्रेस इस विषय में कहीं पर भी इसमें युक्त नहीं है, लेकिन पुलिस का जहां सवाल उठता है बार बार, तो 59 वार्ड का ही बात आ जा रहा, कहीं आर्म्स कारखाना हो, चाहे दिशा जनकल्याण केंद्र हो कि कहीं पर भी हो, अगर ये ऑडियो भी वायरल हुआ है तो 59 वार्ड से हुए। सीधा बात पुलिस प्रशासन से है, हम लोग कुलटी ब्लॉक तृणमूल यूथ का तरफ से आईसी कुलटी डीसी सबको बार बार हम लोग बोला है कि कुलटी क्षेत्र में अपराधी का संख्या दिन प्रतिदिन ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अगर ये प्रशासन अगर चुपचाप रहेगा, अगर ये प्रशासन कुछ कार्रवाई नहीं करेगा तो इस तरह का घटना और बढ़ेगा, इसमें पुलिस को और मजबूत होना है। इसमें आपकी पार्टी को कितना नुकसान होगा? इसमें तो बताया जा रहा है कि 10,000 रुपये मुझे पार्टी ऑफिस में देना है, जबकि वो तृणमूल कार्यकर्ता है, वो एक ही ऑफिस में देंगे, ऑफिस कौन सा है? अगर वो पिंटू सिद्दीकी वार्ड प्रेसिडेंट पिंटू सिद्दीकी है तो सबसे पहले बात है कुलटी ब्लॉक तृणमूल यूथ से वो वार्ड प्रेसिडेंट है, लेकिन कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, हम लोगों का प्राक्तन जो विधायक हो, अभी फिलहाल जो ब्लॉक प्रेसिडेंट विमान आचार्य साहब हो, किसी का साथ ये पैसा का लेन देन का कोई जोगाजोग नहीं है। फिर भी आप लोगों का माध्यम से हम बार बार एक बात बोल रहे हैं प्रशासन के, इसको उचित से उचित कार्रवाई कीजिए, सत्य घटना की है पब्लिक के सामने लाइए, जो सत्य घटना है वो पब्लिक के सामने लाइए। ऑडियो वायरल हुआ है, उसमें पिंटू नामक किसी व्यक्ति का नाम लिया जा रहा है जो कि नियामतपुर का बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस विषय में क्या कहेंगे?
करके एक पेपर में वायरल हुआ है, पिंटू नामक बोल के लड़का है, वो तृणमूल का कार्यकर्ता है, उससे लेन देन का बाद कुछ मालूम चला है पेपर का माध्यम से, तो ये तो हम पेपर का माध्यम से जानते हैं, मगर हकीकत में अगर पूरा एरिया सर्वे कीजिएगा 59 नंबर में, कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पिंटू का लेन देन नहीं है, कहीं कोई मकान बना रहा है दूर जाकर के पिंटू कलेक्शन करता है, कोई रेड लाइट एरिया में कोई पकड़ा गया है तो उसको जाकर के पिंटू कलेक्शन करता है, किसी का मैंने आप क्या बोले, पिंटू नाम का जो लड़का है वो हमेशा जो है लोगों को धमका चमका करके इलाका से वसूली कर रहा है, इसे ऐसे लोगों को लोग जो है पार्टी को बदनाम करते हैं, पार्टी जो भी पार्टी हो चाहे सीपीएम हो चाहे कांग्रेस हो चाहे टीएमसी हो, ऐसे लोगों को रहने से पार्टी बदनाम होता है, हम हाई कमान से मेरा एक ही दरखास्त है कि ऐसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, पहले भी जो है 59 नंबर वार्ड में करीबी 500 मीटर दूरी पर आम फैक्ट्री पकड़ाया गया जिसमें वार्ड काउंसलर का रिश्तेदार के घर पर हुआ, वार्ड काउंसलर कहते हैं कि हमको मालूम नहीं, जबकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी और फैक्ट्री लाइट जो है लगाया गया उसी का नॉर्थ सेक्शन में, जैसे मकान मालिक से हम लोग तहकीकात की है तो 50,000 रुपया वसूली हुआ, ऐसी तरह का जो काम हरकत कर रहे हैं तो हम तो चाहेंगे पार्टी को कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए और पार्टी को बदनाम कर रहा है, चाहे किसी भी पार्टी का दल का हो, चाहे कांग्रेस हो सीपीएम हो टीएमसी हो, किसी ऐसी मतलब व्यक्ति से जो है पार्टी का छवि खराब हो रहा है, आए वाले दिन में यहाँ के लोग आवाम जो है डरे हुए हैं, ऐसे लोगों को पार्टी से निकाल देना चाहिए, मेरा यह व्यक्तिगत और रही है कि पुलिस प्रशासन को भी कम से कम कड़ा एक्शन लेना चाहिए, और ऐसे पुलिस प्रशासन का नाम भी बदनाम कर रहे हैं, पुलिस का नाम से वसूली कर रहे हैं, ये सब चीज़ नहीं होना। जैसा कि मालूम है दिशा में आज से कुछ महीने पहले पुलिस द्वारा छापेमारी की गई थी, जिसके बाद काफ़ी नाबालिग लड़कियां जो हैं वो भी बरामद की गई, उसके बाद फिर से धीरे धीरे अपनी परिस्थिति पर दिशा जनकल्याण केंद्र जो आज है वो सुचारू रूप से खुल पा रही है। इस दौरान कल आपने पेपर में पढ़ा होगा कि ये आया था कि पिंटू नामक कोई व्यक्ति है जो तृणमूल पार्टी का कार्यकर्ता है, वो मनोज से बात कर रहा है किसी पैसे के लेन देन को लेकर के, तो ये पिंटू नामक व्यक्ति यहाँ पे कौन है तृणमूल पार्टी का? देखिए पिंटू नामक यहाँ पर कोई नहीं है, यहाँ पर लक्ष्मीपुर गेट पर इस एरिया में कोई नहीं है, जो भी है मस्जिद मोहल्ला में है पिंटू, हम लोग का मस्जिद मोहल्ला में वो रहता है। कौन सा है मस्जिद मोहल्ला? न्यामतपुर मस्जिद। हाँ न्यामतपुर मस्जिद मोहल्ला में, वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का ऑफिस भी है, वही वो रहता है। हम लोग जानते हैं कि तृणमूल का अगर कोई पिंटू बोलकर है तो वही है, उसके द्वारा जो है मनोज को डराया भी गया है, ऑडियो में ये साफ बताया गया है कि मनोज को धमकी दी गई है पुलिस के बारे में कि 6 जन अंदर हो जाएंगे, 6 लोग वो कोई थे जो बाहर से आए थे दिशा में, वो उसको धमकी दे रहे थे कि पुलिस जो उसको अंदर डाल देगी, पूजा तक जो है उसका बेल नहीं हो पाएगा, छठ पूजा नजदीक है, तो इस विषय में क्या कहेंगे? मतलब तृणमूल पार्टी पुलिस के द्वारा जो है लोगों को डराने का काम कर रही है यहाँ पे? देखिए तृणमूल पार्टी कभी नहीं करता है, जो करता है हम लोग का तृणमूल पार्टी का बदनाम करता है, यही कुछ आदमी है जो लोग तृणमूल पार्टी का जो आदर्श ममता बनर्जी जो तृणमूल पार्टी गठन किया उसका ऊपर इतना अत्याचार इतना कुछ हुआ, वो जो अपना जान देकर ही पार्टी को जो आज खड़ा किया, उसका जो आदर्श कौन जानता है, उसका जो नीति कौन जानता है, अभी सब पावर में है पार्टी, सभी बोल रहा है कि मैं तृणमूल हूँ और वही करके यही लोग मारे। ऑडियो में यह भी कहा गया कि 10,000 रुपए मुझे ऑफिस में देना पड़ेगा, तो कौन से ऑफिस की बात हो रही है? आप देखिए आप तो अगर पुलिस का नाम पर कोई पैसा किसी से उठाएगा
तो ये तो पुलिस का भी तो काम है। जब एक तो न्यूज आया, एक तो पेपर में आया, आप लोग जैसे हमको पूछ रहे हैं, इसका मतलब ऑडियो क्लिपिंग है। तो ऑडियो क्लिपिंग लेकर पुलिस का उचित है, वो किसका वॉयस है, वो वॉयस देखकर उसका कानून कार्रवाई क्यों नहीं पुलिस कर रहा है? कानून कार्रवाई की जरूर करना चाहिए। एक तो पार्टी का बदनाम, एक तो हमारा तृणमूल सरकार का पुलिस है, तो वही अगर उसी का नाम पर कोई पैसा तोड़ रहा है, इसका मतलब इसका पहले भी बहुत पैसे उसने यहाँ पर किया है, ये जो पुलिस का नाम पर। मतलब आप लोगों का ऑफिस जो है यहाँ के पैसा से चलता ए, मतलब चलाया जाता है, संचालन होता है आपका ऑफिस? नहीं, हम लोग का देखिए, ये जो पार्टी ऑफिस है ये आज का नया है, ये 74 से हम यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। आज तक भी हम लोग का पार्टी ऑफिस सुबह शाम दो वक्त यहाँ पर, ये बात इसमें कही गई कि पार्टी ऑफिस में 10,000 रुपए दिया जाए। अच्छा, पार्टी ऑफिस तो देखिए यहाँ पर तो कभी नहीं आता है, वो अगर उसका अपना पार्टी ऑफिस जहाँ बैठता है उसके लिए अगर बोले हुए होगा तो हो। ये पार्टी का जो हम लोग का श्रृंखला कमेटी है, ये पार्टी का श्रृंखला कमेटी जो हम लोग का प्रेसिडेंट है जिला का, वो चेयरमैन है, ठीक है, हम लोग का जो मंत्री मोसा है आसनसोल का, वो लोग छानबीन करेगा कौन किया नहीं किया। अगर वो दोषी होगा तो मैं पार्टी को निवेदन करूंगा सजा से ज्यादा उसका जल्दी से जल्दी उसका सजा मिलना चाहिए, पार्टी से उसका बहिष्कार करना चाहिए। आपका कहे ई अगर आज करेगा कल और कुछ करेगा, और इसका देखकर और कुछ लड़का लोग जो पार्टी का है वो लोग भी करना शुरू कर देगा। अरे यहाँ का आज का बात न, अगर इस क्षेत्र में आप घूमिएगा, जिसका नाम आप बोल रहे हैं, आप जितना लचीपुर गेट में है, बस्ती उस्ती जो सब है, आप लोग छानबीन करिए। आपका परिचय? मेरा परिचय है, मैं बच्चू राय वाइस प्रेसिडेंट पहले था, इसका पहले मैं एक वाइस चेयरमैन भी माने पोलिटिकल था, मैं तृणमूल का साधारण एक कर्मी है।